ये आप देख सकते हैं, एक नराना हादसा जो हुआ था, तीन मजदूरों जो लिफ्ट में आके दब गए थे, यही वो तीन मजदूर हैं। और यहाँ पे नराना SHO ने मना कर दिया और पैसा खा लिया और मना कर दिया कि एम्बुलेंस जो है वो नराना ना लेके जाए इनको। तो यहाँ पे परिजनों ने दीनदयाल उपाध्याय के सामने ही इन तीनों शवों को यहाँ रोक रखा है। तीन माह के बेटे चले जाए जिनकी कोख खाली हो जाए, अब क्या कल बोलेंगे उनके लिए? तो आप क्या लग रहा है कि लेकर नहीं गए वो समय से? ना समय से नहीं, 1.5 घंटों से अंदर थी बॉडी। कितने लोग इस पूरे उसमें मरे हैं? 4 बता रहे हैं, जिसमें 3 तो एक्सपायर हो गए, एक घायल था वो भी आज खत्म हो गया। खराब थी पहले से और उनको पता था ओनर को कि लिफ्ट खराब है, 3-4 पहले ही खराब हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने उसमें पाबंदी नहीं लगाई। ये 2 माँ बेटी है, एक भाई उधर हॉस्पिटल में पड़ा है, ये दादी अंधी बैठी हुई है बेचारी, बार बार उनको बुला रही है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में हम मौजूद हैं और बीते दिन करीब दोपहर 2 बजे एक फैक्ट्री के अंदर की एक लिफ्ट गिर जाती है, जिसकी वजह से 4 लोग उस हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से 3 व्यक्ति की मृत्यु कल हो गई थी और एक आज जो घायल व्यक्ति था उसकी भी अब मृत्यु हो चुकी है। परिवार हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आंटी जी आपका? खुशविंदर कौर। आपका बेटा क्या उम्र थी? 29 साल। 29 साल। क्या नाम क्या था? अमन। अमन, क्या काम करते थे फैक्ट्री में? दूसरा नाम था ना? कुलवंत सिंह नाम है। कुलवंत सिंह वैसे नाम है, घर में अमन बोलते हैं। अच्छा, तो क्या काम क्या करते थे फैक्ट्री में? दिलबाग फैक्ट्री थी, इतना तो पता था, बस तम्बाकू वगैरह की थी शायद। अच्छा, तम्बाकू की फैक्ट्री थी। ऑफिस में सफाई वगैरह करता था? सफाई का काम नहीं करता था, बस सफाई सफुई करता था और बैठता था थोड़ा देर। तो कल कितने बजे आप लोगों को ये पता चला? मुझे 4-4:30 बजे समथिंग पता चला, कोई उनकी फैक्ट्री के साथ वाली फैक्ट्री का कोई लड़का आया था, तो उसने बताया आके, तब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर एकदम से ही मैं मम्मी को लेके भाग गया हॉस्पिटल, तब उनके वहाँ से ऑफिस से ही किसी का कॉल आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे हो गया, आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आओ। हमने पूछा उनसे कि क्या हुआ है, हमें बताओ क्लियर। कहते नहीं, आप डायरेक्ट आओ बस वहीं पर, आपको तभी पता चलेगा। उन्होंने उसके अलावा कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो फिर आप हॉस्पिटल जाती हैं? फिर हॉस्पिटल गए थे तो वहाँ पर डेड था, खत्म। अच्छा, तो ये मृत्यु जब लिफ्ट गिरी तभी हो गई थी? हमारे को तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो शायद लेट लेकर गए थे, हमारे को जहाँ तक सुनने में आई है, क्योंकि उस टाइम तक नहीं हुई थी। 1.5 घंटा मतलब रहे ना उसी के अंदर, फिर लेट खोली कि लिफ्ट उन्होंने, तो इतना तो खत्म बात, इसमें क्या देखेंगे उसमें। फिर बता भी नहीं रहा, ना लेकर जा रहा कुछ जानकारी ना, लापरवाही करी, चैन तो ले जाता तो बस तो जाता, इतनी लापरवाही किसने कही है बताओ। उसके बाद खराब थी पहले से और उनको पता था ओनर को कि लिफ्ट खराब है, 3-4 पहले ही खराब हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने उसमें पाबंदी नहीं लगाई। लोग जा रहे, हाँ वो चल रही थी, उसको लॉक करना चाहिए था, उन्होंने लॉक नहीं किया। जान कैसी लिफ्ट थी? लोडिंग वाली, सामान लोडिंग वाली। सामान लोडिंग वाली, तो ये ऊपर से अपने आप गिर जाती है? हाँ, ऊपर से उसको एक तार वार टूटी और वो नीचे सीधी चली गई 4th फ्लोर से। अच्छा, आप जो ये फैक्ट्री है इसकी ओनर या कोई आया है मिलने आपसे बात? नहीं आया। कोई बात नहीं हुई? नहीं। अच्छा, गई फैक्ट्री गई आप देखने की? कहाँ? नहीं, भाई गया था, बड़ा वाला भाई गया था, फिर तो उन्होंने देखा है वहाँ पे जाके, वहाँ पे देखा था उन्होंने जाके कि ब्लड वगैरह गिरा हुआ था काफी सारा। वो कितने सालों से आपका भाई इस फैक्ट्री में काम कर रहा है? उसको 1.5-2 साल। 1.5-2 साल से काम कर रहा है। तो अभी कोई जानकारी आपको नहीं मिली है? कितने लोग इस पूरे उसमें मरे हैं? 4 बता रहे हैं, जिसमें 3 तो एक्सपायर हो गए, एक घायल था वो भी आज खत्म हो गया, क्योंकि आज पैर ही खत्म हो गया था ना उसमें गिरते ही, तो अपना हिस्सा खत्म हो गया, आज उसने भी दम दे दिया। ये रह क्या गया भैया, हमें तो इंसाफ चाहिए भाई, उसके जो मेन मालिक है जो वही नहीं लेकर जाएगा तो लेकर कौन जाएगा? तो आप क्या लग रहा है कि लेकर नहीं गए वो समय? नहीं से? ना समय से नहीं, 1.5 घंटों से अंदर थी बॉडी। हाँ। क्यों नहीं पता था क्या वहाँ रहते थे? अंदर ही थी 1.5 घंटे तक। हाँ, उन्हें ये नहीं पता लिफ्ट गिर गई नीचे, देख नहीं सका था और ना कोई आदमी वहाँ। जो लोग और फैक्ट्री में काम करते थे वो लोग कहाँ थे जब? वो लोग भाग गए थे, सब भाग गए थे। 5 ऊपर बैठे थे जो ऊपर था, ऊपर से ये भी कहा गया कि उनके घर वालों को मत बताना। अच्छा, उनके घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। जब डैड हो गए तब सबके घर वालों को फोन किया गया, वो भी किसका आया था फोन ये नहीं पता कि वो ओनर था कि कौन था, ओनर तो फोन करेगा नहीं, किसी के थ्रू उसने फोन करवाया था। अच्छा। वो भी जब डैड हो गए सब, तब
और ऑनर आप लोगों से मिलने नहीं आए? नहीं, पता है नाम पता है कौन है कहाँ रहता है? मुझे नाम नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए बस, हमारा पाया गया है, हमें इंसाफ चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिन माँ के बेटे चले जाएं, जिनकी कोख खाली हो जाए, आप क्या बोलेंगे उनके लिए? कम से कम उनको कुछ तो इंसाफ मिलना चाहिए, कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए उसको। ना मालिक का पता है, ना कुछ पता है, कोई कह रहा है कि उसकी फैक्ट्री सील हो गई है, कुछ सुनने में आ रहा है, कुछ क्या कह रहे हैं। लेकिन जिनके माँ के बच्चे चले गए, क्या उनके बच्चे वापिस आ जाएंगे? क्या वो उनके बच्चे दिला देगा? मालिक का कोई फर्ज नहीं कि आके उनको पूछे भी उसको कोई दुख लगा या कुछ हुआ है? आप देख सकते हैं तीनों एम्बुलेंस कोई भी आ गयो, ये आप देख सकते हैं। एक नराना हादसा जो हुआ था, तीन मजदूरों जो लिफ्ट में आके दब गए थे, यही वो तीन मजदूर हैं। और यहाँ पे नराना SHO ने मना कर दिया कि एम्बुलेंस भगा दी, कि और पैसा खा लिया और मना कर दिया कि एम्बुलेंस जो है वो नयाना ना लेके जाए इनको। यहाँ पे परिजनों ने दीनदयाल उपाध्याय के सामने ही इन तीनों शवों को यहाँ रोक रखा है। यहाँ पे परिजनों का मांग ये थी कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम नयाना थाने में जाके प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण। बट जब नयाना थाने के SHO ने वहाँ की एम्बुलेंस को ही जाने से मना कर दिया, तो उनको मजबूरन पैदल यहाँ पे लाना पड़ा ताकि इन शवों को हम पैदल ही लेके जा सके, नहीं तो हम यहीं पर ही रुके। ये देखिए आप लाए, दिल्ली पुलिस ऐसी है हमारी, कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक हमारे को। अरे कोई इंसाफ नहीं मिला अभी तक, वो SCP साहब वो सामने खड़े हैं, वो नहीं है ना वो SCP, वो ये तो यहाँ के सत्येंद्र कुमार है SCP, वो सामने खड़े हैं। मालिक का नाम ही नहीं पता।